जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम बैक। और आज हम लोगों ने जो पॉलिटी का थर्ड पार्ट बेसिकली आज हम लोगों ने टिकअप करना है। सो फर्स्ट में हम लोगों ने टिकअप किया था, दैट वाज इट, आर्टिकल नंबर 12 to 18 टिकअप किया था। सेकंड में हम लोगों ने टिकअप किया था, दैट वाज योर 19 to 24। आई होप ये दो वीडियोस आप लोगों ने देख लिया, अदरवाइज यू कैन चेक इन टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू गो टू वंस। आपके बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियोज़ बाकी भी जो है उसके अंदर लिंक की हुई हैं, यू कैन गो टू इट वंस। उसके बाद आज हम जो टॉपिक टेकअप करने वाले हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट। इसके अंदर मैं 25 से लेकर 30 आर्टिकल्स को टेकअप करूँगी। सो अगेन वी विल बी सेग्रीगेटिंग दिस इन टू टू पार्ट्स बेसिकली, 25, 26, 27, 28 and then as 29 and 30. You have to remember it like this only. And jo iske essence hai, again this here, the from article number 25 to 28, the sense is basically your freedom to religion. जितनी भी बातें होंगी यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलीजन के बेसिस पे हो रही हैं, राइट। एंड इन फैक्ट हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे, जो शॉर्टकट इसका है दैट इज़ योर रेट, RATE, राइट। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर। सो आर्टिकल नंबर 29, 30, द सेंस हियर विल बी योर माइनॉरिटीज, वी विल बी टेकिंग अबाउट योर माइनॉरिटीज ओवर हेयर, राइट। सो इसको इसके ही ऐसे ही याद रखना, 25 to 30, देयर आर टोटल ऑफ योर 6 नंबर्स, 4 हैज़ टू बी सेपरेटेड बाय हेयर एंड 2 आर्टिकल दैट डील्स विद योर माइनॉरिटी। सो सबसे पहले टिकअप करेंगे, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 25, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो यहाँ पे जो 25 आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट योर फ्रीडम टू रिलीजन, राइट। दैट इज़ योर, आपका राइट टू रिलीजन। अगर आप माइनर नहीं हैं, दैट इज़ अगर आप 18 प्लस हैं, तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी आपकी कॉन्शियसनेस या फिर कुछ भी आप किसी भी चीज़ में विश्वास करना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के अंदर, तो यू कैन ईजिली प्रोफेस, राइट। सो कई बार हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कि पर्टिकुलरली 25 आर्टिकल्स डी हैज विच ऑल रिलीजन इन इट, राइट। कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं आपके, जो मैंने आप लोगों को बोला था दैट यू मस्ट डाउनलोड योर कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप। सो उसके अंदर ये देखिएगा कि आप पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिकल नंबर 25, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं सिख्स जो कि उनके स्पेसिफिकली कृपांच के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, राइट। हिंदूज के बारे में यहाँ पे मेंशन है, देन इज योर बुद्धिस्ट एंड देन इज योर जैन्स। बट कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं यहाँ मेंशन नहीं है, ना आपके क्रिश्चियंस मेंशन है। बट दैट डजंट मीन कि वी हैव नॉट गिवन देम एनी राइट, बट दे आर नॉट मेंशनड, राइट। सो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि दे पर्टिकुलरली सेज कि कौन विच ऑल रिलीजन दैट एग्जिस्ट इन योर आर्टिकल नंबर 25। So jumping to your next, that is article number 26. So it talks about your religion affairs. कोई भी religious affairs हैं आपके, आपके rituals हैं या कुछ भी हैं, you can better and manage them. ठीक है, किसी को भी confess, propagate, आपका consigns, सब कुछ जो है that comes into your article number 26 basically. Then is article number 27, that talks about your taxes. We don't put any religious taxes over any gurdwara, mandir, ठीक है, मस्जिद या किसी के भी अंदर। आप लोगों ने सुना होगा कि वी नेवर पुट इट, राइट। जैसे पहले आपके जजिया सिस्टम होता था, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा, वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग टू योर हेमकुंड साहिब या अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, सो दे पुट अ रिजनेबल फीस, बट दे आर नॉट टैक्सेस। एंड ये फीस भी इसीलिए ली जाती है, दैट इज़ बेसिकली फॉर योर सेफ्टी पर्पस, राइट। इट कुड बी इन द मेंटेनेंस पर्पस और योर सिक्योरिटी पर्पस, उस वजह से ली जाती है। अदरवाइज देयर इज़ नो एज सच रिलीजियस टैक्स ऑन एनी गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह, ठीक है। सो ऑन, देन इज आर्टिकल नंबर 28, तो 28 और 30 दे एक्चुअली रिजेंबल, दे बोथ टॉक्स अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट। हेयर ऑल्सो दे आर्टिकल टॉक्स अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 28 एंड 30th। सो दिस इज़ बेसिकली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप रन कर सकते हो, राइट, जो आपके प्राइवेट एंड एडेड हैं स्पेसिफिकली अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। जैसे इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट योर बरू साहब,
ठीक है, वहाँ पे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सिखिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, जैसे हम लोगों का कोई भी आप ऐसे कोई भी चीज़ देख सकते हो, राइट। सो वो ऐसे कोई भी आपकी जो प्राइवेट, बहुत सारे हम लोगों के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जो गवर्नमेंट एडेड होंगे, तो वो तो कभी भी आपका किसी भी रिलीजन को दे कैन नॉट स्पॉन्सर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट यू आर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्राइवेट वन, तो दे कैन डेफिनेटली, ठीक है, जो एडेड होते हैं दे कैन पार्शली। सो दिस इज़ यू हैव टू रिकमेंड योर लक्ष्मीकांत फॉर ऑल दिस, एंड ये मैंने आप लोगों के लर्न बाय मैप्स जो प्रॉपर सीरीज़ बनाई है जिन्होंने बाय किया हुआ है, दैट वो लोग भी देख रहे होंगे, ये मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है बेसिकली। दैट इज़ आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, रेट, रिलीजन, राइट टू रिलीजन, अफेयर्स, टैक्सेस एंड एजुकेशन, इंस्टीट्यूट्स। सो जम्प टू, लेट्स जम्प टू द आर्टिकल नंबर 29। सो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट योर कि वी कैन प्रोटेक्ट द मिनोरिटी ऑन थ्री बेसिस। याद रखें इसको कि द वर्ड मिनोरिटी इज नॉट डिफाइंड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक योर आर्टिकल नंबर 13, राइट, द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट देयर, ठीक है, द वर्ड इज योर इन इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ योर लॉज, जस्ट लाइक दैट द मिनोरिटीज आर नॉट डिफाइंड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन बी स्पेसिफाइड, दे आर बेस्ड अपॉन योर LSC, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट इज योर, दैट इज योर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड योर कल्चर, इनके बेसिस पे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड एज सच रिलीजन मिनोरिटीज़ कहीं पे नहीं है, बट देर इज़ अ 5 पॉइंट प्रोग्राम, दैट इज़ योर 25 पॉइंट प्रोग्राम है हम लोगों का, जो पर्टिकुलरली डील करता है आपका मिनोरिटीज़ के साथ, राइट, जिसमें मुस्लिम्स के जो हैं मदरसास होते हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए और सब कुछ। ये वही है आपका आर्टिकल नंबर 30, कि वो भी अपना जो है रिलीजस आपके जो हैं मिनोरिटीज़ जो है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अगेन गवर्नमेंट फंडेड नहीं कर सकते, प्राइवेट डेफिनेटली कर सकते हैं, और आपके जो सेमी एडेड होते हैं डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो डू इट, राइट, विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आर्टिकल नंबर 25 to 30, एंड आर्टिकल नंबर 31 इज़ बेसिकली योर अपील, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका टिकअप किया था, दैट इज़ योर 19 के अंदर हम लोगों का रिपील है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे भी हम लोगों का, हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज एफ और सो, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। सो ये हम लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिपील हो चुका है अंडर ईयर, दैट इज़ योर 1978 के अंदर वी हैव रिपील्ड इट, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट, वी विल कम बैक एंड वी विल टेक अप योर लास्ट सेगमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ बेसिकली योर राइट्स। थैंक यू सो मच।